ये क्लासिक 350 गाड़ी है। ये गाड़ी में चार्जिंग का प्रॉब्लम है, बैटरी डाउन हो रहा है, शायद से इसका RR यूनिट गया होगा। अभी हम आपको वो चेक करके दिखाएंगे। अभी डैडी वोल्टेज मीटर लगा के दिखा रहे हैं कि चार्जिंग कितना हो रहा है। ये देखो, चार्जिंग बिल्कुल भी नहीं हो रहा अभी डैडी टेस्टिंग के लिए दूसरा RR यूनिट लगाएंगे और दिखाएंगे चार्जिंग कितना हो रहा है। ये देखो, चार्जिंग हो रहा है, हेडलाइट हॉर्न सब लगाने के बाद भी चार्जिंग दिखा रहा है। ये देखो, इतना चार्जिंग तो मांगता ही है, 12 से 14 के बीच में चार्जिंग रहता ही है, और उससे ज़्यादा गया तो ओवर चार्ज होता है। ये RR यूनिट है करके इतना चार्जिंग दिखा रहा है। ये देखो, हेडलाइट लगाने के बाद भी इतना चार्जिंग दिखा रहा है, पहले तो बिल्कुल भी नहीं दिखा रहा था। ये रेगुलेटर रेक्टिफायर है करके इतना चार्जिंग दिखा रहा है। अगर ये नहीं रहेगा और सादा वाला रेक्टिफायर रहेगा तो फुल चार्ज दिखाएगा, 16 भी दिखा सकता है, उससे ज़्यादा भी दिखा सकता है, पर ये जो रीडिंग दिखा रहा है अभी, ये परफेक्ट है। अभी डैडी वापस से पुराना रेगुलेटर रेक्टिफायर कनेक्ट करके आपको चार्जिंग दिखाएंगे।
बाद एकदम थोड़ा सा काटा आगे बढ़ा है, हेडलाइट डालने पे देखो वापस से काटा सेंटर पे आ गया है। ऐसा रहेगा तो गाड़ी नहीं चलेगा, बैटरी डाउन हो जाएगा। थ्री फेज आरआर यूनिट का रेट है 800 रुपीज़। इसमें लोकल वाला भी आता है पर वो लगाने का नहीं। नया वाला आरआर यूनिट का फिटिंग हो गया है, अभी आपको वापस से चार्जिंग दिखाएंगे। ये देखो चार्जिंग हो रहा है, हेडलाइट लगाने के बाद भी चार्जिंग दिखा रहा है। ये जो रीडिंग दिखा रहा है अभी, ये परफेक्ट है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।